हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स मेंटो यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग पढ़ रहे थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11th के लिए, और आज मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ उसके ही। तो आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, और जो तरीका बताया था उस तरीके से ही हम आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। मैं 2 मिनट का एक रिकॉल करवा देता हूँ, फिर देखते हैं। जब भी हमें कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को मानेंगे कि हम कौन हैं, बिजनेसमैन हैं, और हमारा डायलॉग क्या हो जाएगा, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एमपी बोर्ड के लिए राठी की बुक से क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कर लेते हैं। ऑन 31st मार्च 2016 बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ शुभम शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹2500। तो देखिए, आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो कहाँ पर लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे। क्लियर है? कौन से साइड में, प्लस में। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक ₹2500। क्लियर हो गया? अब हमारा डायलॉग क्या होगा, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको समझना है ध्यान से, ठीक है। चेक ऑफ ₹10,000 वर डिपॉजिटेड टू बैंक। हम बिजनेसमैन हैं, हमने ₹10,000 का चेक बैंक में जमा कर दिया है। बट चेक ऑफ ₹3,000 वर कलेक्टेड ऑन 5th अप्रैल। देखिए जरा ध्यान से, 31st मार्च तक का हमें बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है। ₹3,000 का चेक बैंक ने मार्च महीने में कलेक्ट नहीं करा है। क्लियर है? समझिए फिर से, हमने ₹10,000 प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने ₹7,000 ही प्लस करा है, ₹3,000 प्लस नहीं करा है ये वाला अमाउंट। क्लियर है? इसलिए इस ₹3,000 को हम क्या कर देंगे, माइनस। और यहाँ पर नरेशन क्या लिखेंगे, वही चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक ₹3,000। लॉजिक समझ में आ गया है? ठीक है। चेक ऑफ ₹7,500 वर इशूड। देखिए, हमने ₹7,500 का चेक इशू करा और माइनस कर दिया ₹7,500, लेकिन ₹2,500 का चेक जो है वो अप्रैल में पहुंचा है, मतलब बैंक ने ₹2,500 माइनस नहीं करा है। इसलिए आप इस ₹2,500 को प्लस कर देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर हो गया? अब बाकी तो बहुत आसान है। कस्टमर हैज डिपॉजिट 5,000 डायरेक्टली, बैंक में जाके ₹5,000 जमा कर दिया, तो क्या कर देंगे इसको, प्लस। क्यों? क्योंकि बैंक ने प्लस कर दिया है। बैंक हैज चार्ज्ड, बैंक ने ₹50 चार्ज किए हैं, मतलब कि बैंक ने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो आपको भी ₹50 माइनस कर देना है। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹350 कलेक्टेड बाय बैंक। समझिए जरा, बैंक ने ₹350 का इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, मतलब बैंक ने प्लस किया है, बिकॉज हमारे खाते में पैसा उसने इकट्ठा किया है कहीं से, तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस ₹350। दैट्स इट, फाइनल आंसर निकालते हैं। चलिए ओके, एक पॉइंट मैं यहां पर ये वाला छोड़ दिया है, तो प्लीज इसको देखिएगा जरा। यहां लिखा हुआ है चेक ऑफ 1500 पर डेबिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में ₹1,500 का चेक डेबिट करा है, मतलब हमने प्लस कर लिया है। बट वॉज ओमिटेड, ओमिटेड मतलब भूल जाना, लेकिन हम बैंक भेजना भूल गए हैं। तो हमने ₹1,500 प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने प्लस नहीं करा है, क्योंकि हमने बैंक भेजा ही नहीं है वो। क्लियर हो गया? तो अब हमें इसका फाइनल आंसर निकाल देना है। फाइनल आंसर निकालना मैंने सिखा दिया है, इसमें भी बताता हूँ। आप प्लस का टोटल करिए जरा, तो ये हो गया ₹10,350। क्लियर? माइनस का भी टोटल कर दीजिए, तो 4,500, 4,550। इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर 5,800 जो आएगा उसको हम फाइनली अमाउंट क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पास बुक। और ये वाला अमाउंट कहाँ से आया, ये सबको पता है, दिस माइनस दिस। क्लियर हो गया? नाउ तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 6th क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, नथिंग इज टू मच चेंज हियर। तो चलिए एक बार इसको मैं रफ करता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस अब इसी तरीके से बताता जाऊंगा मैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस कहाँ दिया है इसका, तो हमें इसके लिए आखिरी में पढ़ना पड़ेगा कि भाई बैलेंस एज पर कैश बुक ये दिया हुआ है।
क्या बिना बैलेंस पढ़े हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज हम डायलॉग कैसे क्लियर करेंगे कि डायलॉग क्या है? जब कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो हम अपने आप को क्या मानेंगे कि हम हैं बिजनेसमैन, और हमारा डायलॉग क्या होगा? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। तो बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में लिख दूंगा मैं 1,80,000। क्लियर हो गया। अब ट्रांजेक्शन पर आते हैं। तो द फॉलोइंग चेक वर पेड बाय फर्म, बिजनेस ने ये चेक पेड करा है इन टू द बैंक इन मार्च, बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन अप्रैल। समझिए जरा, हमने बैंक में ये तीन चेक जमा करने के लिए भेजे और हमने अपने खाते में अकाउंट में प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने इसको प्लस नहीं करा है। कब? मार्च में। इसलिए अब हम इसको माइनस कर देंगे। कितना होगा ये? 69 325, और ये 6, और ये 7900। तो ये माइनस कर दूं मैं। क्लियर हो गया। फिर से समझा दो इस पॉइंट को। तो तीन चेक हमने जमा करने के लिए भेजा था, हमने प्लस कर लिया था, लेकिन बैंक ने जमा नहीं करा, इसलिए इनको माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। द फॉलोइंग चेक वर इशूड बाय द फर्म, फर्म ने तीन चेक इशू करा है, यही तीनों चेक, और हमने माइनस कर लिया। बट वर कैश्ड इन अप्रैल, लेकिन मार्च में तो कुछ हुआ ही नहीं है, बैंक ने माइनस नहीं करा है, इसलिए इनको हम वापस क्या कर देंगे? प्लस। क्लियर हो गया। इसका टोटल करिए, 4 4 8 और 3 11, 11,000 रुपीज़ को क्या कर देंगे? प्लस। फिर ये तो बहुत आसान है, चेक 4,000 विच वॉज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमें 1,000 रुपये का एक कस्टमर से चेक मिला था, उसको हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में रख दिया, मतलब प्लस कर लिया, लेकिन बैंक तो अप्रैल में भेजा है, मतलब बैंक ने प्लस नहीं करा है उसको, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। द पासबुक शो अ क्रेडिट, पासबुक जब भी क्रेडिट करता है तो क्या करता है? प्लस। क्लियर है। और पासबुक जब भी डेबिट करता है किसी भी चीज़ को तो माइनस करता है। तो हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। नाउ लेट्स कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट, फाइनल आंसर आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। प्लस का टोटल करिए तो 193,500, इधर का टोटल 79,8999, दिस माइनस दिस तो 183,600 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या? लेट्स चेक, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, फाइनल आंसर आ चुका है। इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, और उसमें हम क्या लिख देंगे? बैलेंस एज पर पासबुक कितना अमाउंट लिखेंगे? 183,600। कहाँ से आएगा? इसमें से इस अमाउंट को घटा देना है। तो देखिए कितने आसानी से हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हमने कोई टेबल नहीं रटी है, ना हमने कुछ लर्न करा है स्पेशली, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा, लॉजिक समझा और क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, राइट। तो अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं और आप दूसरे बोर्ड के हैं, स्टूडेंट हैं, कहीं दूसरी बुक से कर रहे हैं, तो भी आप इसी लॉजिक के साथ सॉल्व करिए, राइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर ऊपर जो हेडिंग डली हुई है वो लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ओवरड्राफ्ट मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप बैंक अकाउंट से कुछ ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं, आपके खाते का मतलब अकाउंट का निगेटिव बैलेंस हो जाता है, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप टेबल रटने वाली फॉर्मेट में जाते हैं तो अब ओवरड्राफ्ट के केस में दूसरा टेबल होती है, वहाँ पर कुछ और रटना पड़ेगा, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में कोई डायलॉग चेंज नहीं होगा। हमारा डायलॉग अभी भी होगा वही, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो हम क्या करेंगे? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है ना, ये माइनस में लिखेंगे, निगेटिव बैलेंस, बिकॉज ओवरड्राफ्ट निगेटिव बैलेंस होता है। क्लियर हो गया। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है? 28,000, निगेटिव में लिख देंगे इसको। क्लियर हो गया। अब ये सेम ऐसी नरेशन लिखते जाना है, ये क्वेश्चन में तो यही समझिए कि होना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डायलॉग वही है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, समझिए हमने 2,000 रुपये का चेक बैंक में जमा कर दिया, हमने प्लस कर दिया, लेकिन बैंक ने एक प्लस नहीं करा है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर। चेक इशोड, फिर वही बात, हमने चेक इशू करा है 11,200 रुपये का, हमने पहले माइनस कर दिया लेकिन बैंक ने माइनस नहीं करा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? 11,200 प्लस कर देंगे।
बैंक चार्ज्ड, बैंक ने 100 रुपये माइनस करा है, हम भी 100 रुपये माइनस कर देंगे। बैंक चार्ज हो गया, फिर इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने फिर से इंटरेस्ट काटा है हमारे खाते से, हम भी माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट कलेक्टेड, कलेक्टेड मतलब क्या होता है, बैंक ने हमारे अकाउंट में कहीं से इंटरेस्ट कलेक्ट करके जमा किया है, दैट्स इट। तो अब हमें इसका फाइनल आंसर निकालना है। इसका नेगेटिव वाला बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, यहाँ का टोटल 28,230, 30,300, 30,300, इसमें आपको ये 11,700 घटा देना है, क्लियर है, 11,700 इसको घटा देंगे तो नेगेटिव बैलेंस आएगा 18,600 का, क्लियर हो गया ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट 18,600 रुपये, क्लियर हो गया। पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव होता है, मैंने लेक्चर ये स्टार्ट करने के सबसे पहले स्टार्टिंग में ही समझा दिया था इसको, क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, यहाँ से थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो अगर आपको अभी भी बेसिक इस चैप्टर का समझ में नहीं आया है तो पहले अच्छे से बेसिक समझिएगा, फिर ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन कवर करेंगे, राइट। तो अभी आज की क्लासेस में हम कैशबुक के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, फिर हम एक क्लास करेंगे जहाँ पर पासबुक के बैलेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल है तो लेट्स सॉल्व इट। मिस्टर आनंद का बैलेंस दिया हुआ है, कैशबुक शोड अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस 7,800। तो मैंने पहले ही बताया था ओवरड्राफ्ट बैलेंस 7,800 कहाँ लिखेंगे, माइनस साइड में, क्लियर हो गया ना। ओवरड्राफ्ट मैंने समझा ही दिया था कि माइनस में होता है, तो माइनस का हो जाएगा 7,800। अब ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं, हमारा डायलॉग वही है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। आउट ऑफ चेक इशूड 750, मतलब मैंने 750 रुपये माइनस कर दिया है, ठीक है। ओनली 625 वर इन कैश, मतलब बैंक ने 625 रुपये माइनस करा और हमने 750 रुपये माइनस कर दिया है, तो 750 रुपये में 625 रुपये घटा दीजिए, कितना 125 रुपीज़ आता है। हमने 125 ज़्यादा माइनस कर दिया था ना, इन दोनों का डिफरेंस, इसलिए इसको अब क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लॉजिक समझ में आ गया, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। चेक 550 पर डिपॉजिटेड, हमने 550 रुपये बैंक में जमा करा तो हमने इसको प्लस कर लिया, लेकिन बाद में पता चला बैंक ने सिर्फ 375 रुपीज़ ही प्लस करा है, तो 550 में 375 को माइनस करिए, जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो घटा देंगे। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि हमने ज़्यादा अमाउंट प्लस कर दिया था, बैंक ने कम प्लस करा है, इसलिए हम माइनस करेंगे। इट इज़ डिस्कवर्ड दैट अ चेक ऑफ 250 विच वॉज डेबिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में 250 रुपये डेबिट था और हमने इसको, डेबिट मतलब प्लस करना होता है कैश बुक में, वॉज नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक, हमने उस चेक को बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक ने प्लस नहीं करा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अ कस्टमर, कस्टमर ने 150 जाके डायरेक्टली बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, प्लस, हम भी प्लस करेंगे। बैंक पेड, आगे मत पढ़िए क्योंकि यहाँ लिखा है ना भाई, बैंक पेड, बैंक ने माइनस करा है, तो आप भी क्या कर देंगे, माइनस, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक हमारे खाते से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डिडक्ट करता है, माइनस करता है, तो हम भी माइनस कर देंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर निकालेंगे, 7,800 175 250 और 300, यहाँ का टोटल 8,525 आ रहा है, 8,525 घटाना कितना है, माइनस 125 माइनस 150, 8,250 तो फाइनल आंसर आ गया, दैट्स इट। आंसर निकालना मैंने सिखा ही दिया था, यहाँ का टोटल 200 275, नेगेटिव साइड आंसर आएगा, किस नाम से लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक, क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 9th पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9th में भी स्टार्टिंग में आपको वही कहानी है, एक बैलेंस दिया होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट का, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम कहाँ लिखते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस निगेटिव में, कितना है, 11,340 रुपये। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए, चेक ड्रॉन मतलब इशू होता है, चेक इशू हमने माइनस कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो क्या होगा, प्लस होगा, ये तो बहुत आसान है, प्लस का 7,892,
उसके बाद चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक बैंक में जमा कर दिया लेकिन बैंक ने जमा नहीं करा है, इसलिए उसको माइनस कर देंगे 9782। अब रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं है, ठीक है, इसमें लगेगा थोड़ा दिमाग। और ये शायद आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो के समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, अ बिल रिसीवेबल फॉर 1040 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड इन द पास बुक। बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, सिर्फ यहाँ समझ लीजिए आप इतना, डेबिटेड इन द पास बुक मतलब बैंक ने माइनस किया है, तो आपको भी क्या करना है, माइनस का 1040। बाकी शुरू का समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। डेबिट इज ऑल्सो मेड इन पासबुक फॉर 240। देखिए बैंक ने 240 रुपए का माइनस कर दिया है, हम भी माइनस करेंगे। 110 रुपए और भी हैं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डेबिट, तो ये भी माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा डायलॉग क्या, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक हैज कलेक्टेड, बस यहीं पर पढ़ लीजिए, कलेक्टेड मतलब प्लस करना होता है ना, हमारे खाते में 1520 रुपए प्लस कर दिया है, दैट्स इट, फाइनल आंसर निकालना है। तो नेगेटिव वाले का टोटल करते हैं 11340, 97 प्लस 9782 प्लस 1040 प्लस 240 प्लस 110, यहाँ का टोटल आ रहा है 22512, और यहाँ का टोटल आ रहा है 7892 1520 9412। दोनों का डिफरेंस घटा देंगे ना तो आंसर आ जाएगा, लेट्स कैलकुलेट, 22512 13100, ये देखिए ये वाला अमाउंट आ गया। किस नाम से लिखेंगे इसको, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, 13100 रुपए, क्लियर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें आई होप 5 पॉइंट ही दिया हो तो बढ़िया है, लेट्स कैलकुलेट। तो चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है, देखिए क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000 रुपए। बताइए कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस कहाँ लिखते हैं, प्लस में कि माइनस में? स्टार्टिंग में जहाँ से क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करा था वहीं पर समझाया था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट नेगेटिव होता है, तो 15,000 रुपए माइनस में यहाँ पर लिखेंगे, क्लियर है। किस नाम से, बैलेंस एज पर कैश बुक, जब कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो डायलॉग क्या होता है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ इस वाले ट्रांजेक्शन में भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना है। चेक ऑफ 3500 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, समझिए हमने बैंक में 3500 रुपए का चेक डिपॉजिट कर दिया, आउट ऑफ विच मतलब इसी में से 500 रुपए वॉज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, 500 रुपए बैंक ने माइनस कर दिया है, तो हम भी क्या कर देंगे, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, माइनस, क्लियर है। चेक ऑफ 1500 वर इशूड, मैंने 1500 रुपए का चेक इशू करा है, आउट ऑफ चेक इसी 1500 रुपए में 600 रुपए का जो इनकैश्ड है वो जनवरी में हुआ है। देखिए हम दिसंबर तक का बना रहे होंगे, यस, तो 600 रुपए मतलब बैंक ने माइनस नहीं करा है, तो इसलिए आप इस 600 रुपए को प्लस करिए, क्लियर है। अ कस्टमर डिपॉजिट 300 डायरेक्टली, तो ये तो बड़ा ही अच्छा है, बैंक ने भी प्लस किया है, आप भी प्लस कर दीजिए। अब इसके आगे बुक में देखना पड़ेगा, क्योंकि बुक के लिए अब मुझे न्यू पेज लाना पड़ेगा यहाँ पे, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स, राइट, ओके। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट ₹50 वॉज डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में 50 रुपये डेबिट किया गया है, मतलब पासबुक में 50 रुपये माइनस किया गया है, तो हम भी माइनस कर देंगे, क्लियर है। फिर अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 250 होना चाहिए शायद, ये 250 रुपये। देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक कलेक्ट करता है, मतलब बैंक हमारे अकाउंट में प्लस करता है, तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नाउ लेट्स कैलकुलेट द फाइनल आंसर, कैसे निकालेंगे अब तो पता चल गया आपको, तो
इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। मुझे लगता है यहीं से ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था 15,000। थोड़ा सा मेरे पेज की सेटिंग ख़राब हो गई है, इसलिए इसको आप लोग फाइनल आंसर इसका निकाल दीजिएगा, प्लस माइनस ही करना है। मैंने ट्रांजेक्शन सॉल्व कर दिया है, क्लियर है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, 11th क्वेश्चन में क्या कैसे सॉल्व करना है। एवरीथिंग इज द सेम। यहाँ पर दिया हुआ है कि 31 मार्च को आपको क्या करना है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 15830। तो ओवरड्राफ्ट हम कहाँ लिखते हैं, 15830 नेगेटिव साइड लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो डायलॉग क्या होगा, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, क्लियर है। नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन, टिल 31 मार्च चेक 2000 रुपए का बैंक में जमा किया गया, लेकिन 1500 रुपए का चेक ही क्रेडिट किया गया है मार्च तक। समझिए, हमने 2000 रुपए प्लस कर लिए, लेकिन बैंक ने 1500 ही प्लस करा है, मतलब हमने 500 रुपए ज्यादा प्लस कर लिया था, इसलिए अब 500 रुपए को क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर हो गया। नाउ चेक ऑफ 5000 पर इशूड, हमने 5000 रुपए का चेक इशू करा है, लेकिन 4000 रुपए का चेक का पेमेंट ही हुआ है मार्च तक का, तो 1000 रुपए को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्लियर है। लॉजिक समझिए, आई होप अब यहाँ तक आप ग्रैप कर पा रहे होंगे जो मैंने अभी पिछला समझाया था आपको। इंटरेस्ट 150 पर डेबिटेड इन द पासबुक, पासबुक में 150 का इंटरेस्ट डेबिट हुआ है। पासबुक में डेबिट मतलब माइनस होता है, तो बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस कर देंगे। अ चेक ऑफ 120 वॉज डेबिटेड इन द कैश बुक, कैश बुक में डेबिट करा मतलब हमने प्लस कर लिया था, बट वॉज ओमिटेड, लेकिन हम भूल गए उसको बैंक में भेजना, तो बैंक ने कुछ किया ही नहीं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का, कितना, 120 रुपीज। नाउ अ कस्टमर हैज 600 डायरेक्टली डिपॉजिटेड, बहुत ही आसान है। देखिए, कस्टमर ने 600 रुपए बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक ने क्या किया, इसको बैंक ने प्लस किया, तो आप भी क्या कर देंगे, प्लस 600 रुपए। दैट्स इट, BRS बनाइए, 15000 आंसर आएगा इसके टोटल से, इन दोनों को घटा देना है, फाइनल आंसर यहीं पर 15000 आ जाएगा, क्लियर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, क्योंकि इसके बाद फिर क्या स्टार्ट होगा, पासबुक का बैलेंस, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आइए कर लेते हैं सेम कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करूंगा। इस पूरे चैप्टर में देखिए सिर्फ 2 डायलॉग हैं, पहला डायलॉग तो मैंने सिखा दिया है और दूसरा वाला डायलॉग मैं नेक्स्ट में सिखाऊंगा। राइट नाउ चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान होगा, जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना वो उतने ज़्यादा आसान होते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दिया है 10,200 रुपए। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कहाँ लिखते हैं, माइनस में, 10,200 रुपए, क्लियर है। कैश एंड चेक अमाउंटेड 2,1340 रुपीज़, 1340 रुपए हमने 27 तारीख को बैंक में जमा करने के लिए भेजा, बट चेक ₹230 वर क्रेडिटेड ऑन 2nd Feb, मतलब 230 रुपए, समझिए, बैंक ने जमा नहीं करा है, और 45 रुपए भी बैंक ने रिटर्न कर दिया है, मतलब ये दोनों अमाउंट बैंक ने जमा नहीं करा है, 230 और 245, तो हम इन दोनों अमाउंट को क्या कर दें, घटा दें, ठीक है, तो कितना होगा, 275 दोनों का टोटल। देखिए, टफ कुछ नहीं होता है, आपको लॉजिक समझना होता है। कई बार हो सकता है आपको ये पॉइंट अभी 11th क्लास स्टूडेंट के रूप में समझ में ना आए, बट स्लोली यू विल अंडरस्टैंड। आप थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करिएगा लॉजिक्स की, एंड सपोज इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पॉइंट्स, अगर आपको यही वाला पॉइंट समझना है कि सर ऐसा क्यों है, इसके क्या डाउट्स हैं, तो मैंने पहले ही बताया है आप, अच्छा 11th क्लास पे अभी मैंने बताया नहीं है शायद, आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नंबर दे देता हूँ मैं, 9425305335 पे, ठीक है। और मैं अभी जो MP बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 12th क्लास राठी की बुक से पूरे क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं मैंने, वो अगर कोई आपके सीनियर हो तो आप उनको बता दीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप 11th क्लास में हैं अभी, तो आपको मैं और भी चैप्टर्स करवा दूंगा, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं, कम्युनिकेट करें, फिर हम आगे देखेंगे उसके लिए। राइट नाउ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी इशूड चेक वर्थ ₹1670। देखिए, जनवरी में 1670 रुपए का हमने चेक इशू करा है, हम कौन है, बिजनेसमैन है,
आउट ऑफ दीज चेक, इसमें से 1370 रुपए जो है वो 5 फरवरी को प्रेजेंट हुआ है, मतलब बैंक ने 1370 रुपए का चेक माइनस नहीं करा, इसलिए अब हमको इस 1370 रुपए को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सुनिए, मुझे पता है आपको अब यहाँ पर डाउट आना स्टार्ट होगा। आप बोलेंगे सर कई जगह पे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कई जगह पे यही वाली अमाउंट ले लेते हैं, ये क्या चक्कर है? ये धीरे धीरे समझ में आएगा, इट्स नॉट टू मच ईजी टू अंडरस्टैंड इट, थोड़ा टेक्निकल है बट समझने की कोशिश करिएगा, मैं ये डाउट भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे तब ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है भाई माई स्टैंडिंग ऑर्डर्स, एज पर माई स्टैंडिंग ऑर्डर्स द बैंक पेड कर रहा है, तो बैंक क्या करता है, माइनस, तो हम भी इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस 170142। माई बैंकर हैव कलेक्टेड, बैंक ने 150 रुपये कलेक्ट किया है, मतलब बैंक ने मेरे खाते में प्लस करा है। माई बैंकर हैव गिव मी रॉन्ग क्रेडिट फॉर 250, बैंक ने मेरे खाते में गलत 250 रुपये जमा कर दिया है, तो हम भी प्लस कर लेंगे। इंटरेस्ट चार्ज, बस यही समझना है ये वर्ड, बस इंटरेस्ट चार्ज, मतलब बैंक ने क्या किया, माइनस, तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस। ये आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा, इसके टोटल से इसके टोटल को घटा देना है, आप आंसर निकाल देंगे, समझिए जरा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने आपको अभी क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया इस चैप्टर का बेसिक, बिल्कुल इस चैप्टर में स्कूल टीचर्स, कोचिंग वाले, एमपी बोर्ड के स्टूडेंट को तो बहुत ही बुरा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो सबको रटवाते हैं। रटवाते क्या है, मैं बताता हूँ, आपकी बुक में, राठी की बुक में जैसे है टेबल दी है, ऐसे 4 कॉलम वाली टेबल है, राइट, ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर एक प्लस और माइनस, ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल बैलेंस के साथ में और दूसरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस के साथ में। अब जरा समझिएगा, जैसे यहाँ लिखा रहेगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो एक जगह वो होगा प्लस, एक जगह माइनस, एक जगह प्लस, एक जगह माइनस। अब ये टेबल आपको रटनी पड़ेगी, मतलब आप जब तक इस टेबल, यहाँ प्लस होगा वही यहाँ माइनस होगा फिर प्लस होगा, आप हो जाएंगे कंफ्यूज और एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसीलिए क्या होता है, स्टूडेंट इस चैप्टर में एक्सपर्ट बन ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज कि वो ये कॉन्सेप्ट में ही उलझे रह जाते हैं, ठीक है। ये जो तरीका है मैंने खुद सीए में सीखा है और इसको हम लोग ऑफिसेस में भी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, तो मैं स्टूडेंट को भी सिखा रहा हूँ, आप भी सीखिए। जो लोग मुझसे डायरेक्ट कोचिंग पढ़ते हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया है, तो आप ऑनलाइन जैसे पढ़ना चाहते हैं, आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन करें। और देखिए 11th क्लास की वीडियोस मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ अपलोड करना, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो इस चैनल में और भी 11th क्लास के स्टूडेंट को रेफ़र करिए, जोड़िए, आप एमपी में कहीं से भी हो नो प्रॉब्लम। मैं अभी 12th क्लास के लिए, कॉमर्स के लिए ऑल सब्जेक्ट करवा रहा हूँ, और इसका कोई चार्जेस भी नहीं है, नो चार्जेस, राइट। सो यू कैन ज्वाइन, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, आप इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं जो भी 11th क्लास एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। यूट्यूब पे दिस इज़ द फर्स्ट चैनल ऑफ एमपी बोर्ड कॉमर्स, एमपी बोर्ड कॉमर्स के लिए ये पहला चैनल है जिसमें मैं बिल्कुल सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दूंगा और क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ आपको, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, क्लियर है। तो आप भी सपोर्ट करें इस चैनल को, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।